अवैध हथियारों के साथ जाफराबाद थाने की टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ एक जुबिनाइल को पकड़ा। उत्तर पूर्वी जिला के एडिशनल DCP देवेश कुमार ने वीरवार की रात मीडिया को बताया कि 31 अगस्त और 1 सितंबर की मध्य रात को जाफराबाद थाने को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि हथियारों से लैस कुख्यात इरफान उर्फ चैनू गैंग के सदस्यों की जाफराबाद के मेट्रो स्टेशन की तरफ आएंगे किसी वारदात को अंजाम देने के लिए, जिसके बाद जाफराबाद थाने के SHO ने एक टीम बनाई थी जो कि रात 12:45 पर 5 लड़कों का एक समूह को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास एक गली से गुजरते देखा और मुखबिर के कहने पर उन्हें रोकने का इशारा किया, मगर पुलिस को देख के वह भागने लगे अलग अलग दिशाओं में, जिसके बाद पुलिस टीम ने उन सभी 5 को पकड़ लिया, जिसके बाद पता चला कि उन 5 में एक जुवेनाइल है। इनकी तलाशी ली तो 1 देसी कट्टा, 7 जिंदा कारतूस, 2 चाकू और 2 ऑटोमेटिक पिस्टल भी इनके पास से बरामद हुई, जिसके बाद मामला दर्ज किया, जिसकी प्राथमिक संख्या नंबर 651/22 धारा 25A शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया, जिसके बाद 5 में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 1 को हिरासत में लिया गया, जिन सभी से पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए सभी आरोपियों के नाम पुलिस ने बताया, पहला 16 साल का जुवेनाइल है जो कि चौहान बांगर का रहने वाला है। दूसरे आरोपी का नाम सादिक उर्फ त्यागी पुत्र दीन मोहम्मद निवासी रोहतास नगर सादरा का है, इसकी उम्र 23 वर्ष है। तीसरा रिजवान उर्फ इमरान पुत्र अयूब खान निवासी चौहान बांगर का रहने वाला है, इसकी उम्र 22 वर्ष है। चौथा यासीन पुत्र सलीम निवासी चौहान बांगर का है, इसकी उम्र 22 वर्ष है। पांचवा शहबाज पुत्र वकार अहमद निवासी चौहान बांगर का है, इसकी उम्र 21 वर्ष है। इन सभी के पास से 7 जिंदा कारतूस, 1 देसी कट्टा, 2 ऑटोमेटिक पिस्टल और 2 चाकू बरामद किए हैं। पुलिस इन सभी से कर रही है पूछताछ।